In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good, best health and spirit. Today, I am talking about mechanical engineering. Eligibility criteria after this degree, what I can do, fee structure and job opportunities, salary package and all about that we will discuss in this video. So let's start. अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेवेंट हम तमाम तरह गुफ्तगू को कवर करेंगे. ये स्टडी किस चीज की है, इसके लिए क्या काबिलियत चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, फी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है एक तालिबे इल्म के लिए, इस डिग्री के बाद वो तालिबे इल्म कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी और किस सैलरी पैकेज के ऊपर जॉब कर सकता है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो. सो अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये किस चीज की स्टडी है, यू नो इसको अगर मैं आसान तरीके अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो जहां जहां पर मशीनरी यूज होती है, जहां जहां पर मशीनरी चलती है या इसका इस्तेमाल है, वहां वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है, वहां वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मांग है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग दरअसल मशीनरी का डिजाइन तैयार करने में, उसको डेवलप करने में, मेंटेन करने में, उसको क्या कहेंगे मैनेज करने में, मैनेजमेंट का काम अबाउट मशीनरी डेवलपमेंट डिजाइनिंग आदि किसका काम है. आप देखते हैं जितनी भी जदीद तरीन मशीनरी बनती है, ये कौन इनका लाइक कहेंगे रॉकेट इज अ मशीनरी, ठीक है, तो इसको डिजाइन कौन करता है, इसको डिवेलप कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, जहां जहां पर मशीनरी है वो जदीद मशीनरी है. आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री दुनिया में देख लें आप, लाइक जहां जहां पर मशीनरी है वहां वहां पर इसका जो है स्कोप है जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. ये तमाम तर मशीनरी जदीद मशीनरी ये किसकी मरहूने मिन्नत है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मरहूने मिन्नत है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप काफी खासा है और ये फील्ड भी टॉप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आती है जिनका स्कोप खत्म हो सकता नहीं, इसका स्कोप डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है. आरआईटी का स्कोप अच्छा खासा है पाकिस्तान के अंदर और मजीद इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने बात की, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काबिलियत क्या है. सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे कहते हैं ईकैट भी कहते हैं. ये टेस्ट आपको पास करना पड़ता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है. अगर आपके टेस्ट फेल हो देन यू आर इनएलिजिबल. आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन करवाने के लिए ईकैट देना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ ईकैट को पास करना बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ आपके कम अज कम मार्क 60% कहां पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर हो. अब यहाँ पर ये थोड़ी मैं आपको कन्फ्यूज करता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट या सॉरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि आपको लो मेरिट के ऊपर एडमिशन दे देती है, लेकिन ईकैट वहाँ में भी लाजमी होता है. बट अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर्स की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वहाँ पर मेरिट जो कि हाई होता है, मेरिट पॉलिसी लगती है, लिस्ट लगती है, वहां पर मेरिट पॉलिसी क्या होती है, हाई होती है, मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, आपको ईकैट के अंदर भी ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, देन यू आर एलिजिबल, फिर आपका नाम आता है. लेकिन अब अच्छा यहाँ पर बड़ी अहम बात कर लें कि फी स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर आप हम गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करते हैं, इसका इनके फी स्ट्रक्चर एक तालिबे इल्म के लिए क्या हो सकता है, बड़ा अहम सवाल है तालिबे इल्म के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एक एवरेज फीस को डिस्कस कर लेते हैं तमाम तर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तमाम तर गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर फी स्ट्रक्चर क्या है. कम अज कम आपके 5 से 7 लाख रुपया लग जाता है किसके अंदर, की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है. लेकिन बाद जो तलबा तलबा जो कि वो प्राइवेट उनका एडमिशन नहीं हो पाता, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर लिस्ट में नेम नहीं आता, मेरिट पर नहीं आ पाते, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर एडमिशन करवाते हैं. तो कुछ ही हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं गवर्नमेंट प्राइवेट जिनका फीस स्ट्रक्चर भी हाई है, यू नो तो वो डिग्री आपको कहने के 12 लाख से लेकर आपके 15 लाख के राउंड अबाउट आपका लग जाता है किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. ये है जिसका फीस स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, इस डिग्री के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है जी. आप कह लें कि मैकेनिकल इंजीनियर लग सकते हैं, आप सीनियर इंजीनियर लग सकते हैं, जूनियर इंजीनियर लग सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर लग सकते हैं, इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लग सकते हैं, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं इसी के साथ. और ये बात आप ध्यान में रखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वो फील्ड है जिसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है. इसका स्कोप 12 महीने खत्म नहीं होता, इसका स्कोप चलता, इसका सारा साल जो है स्कोप चलता है. यू नो मशीनरी का इस्तेमाल आजकल बड़ा आम है हर इदारे के अंदर, वो कोई भी इदारा है, मशीनरी वहां पर क्या होती है जी यूज है, वो मेडिकल का डिपार्टमेंट है,
एवियोनिक्स का डिपार्टमेंट है, वो एविएशन का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो कोई भी डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हर जगह पर आप कहीं ना कहीं उसकी सर्विसेज नजर आएंगी, तो इसका स्कोप कम होता नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आप कह लेंगे पर्सन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ इदारे जिनको आप आफ्टर दिस डिग्री ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी हमने बात की। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी सैलरी पैकेज क्या होगी, क्योंकि हमारा सैलरी का पैकेज क्या होगा, हमारी सैलरी कितनी राउंड अबाउट लग सकती है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, यानी जो रिसेंटली जिसने डिग्री मुकम्मल की और वो जॉब लिस्ट ने अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, उसकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम एक एवरेज ड्यूरेशन में आपको बता दूं, ये कम से कम राउंड अबाउट आपको कहने के 45,000 से लेकर 50 या कहने के 45,000 से लेकर 55,000 तक आपको जो है ये सैलरी कहने के ऑफर की जाती है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, लेकिन इट डिपेंड अपॉन योर माइंड, इट डिपेंड अपॉन योर स्किल, इट डिपेंड अपॉन योर पैशन कि आपका पैशन कितना है, तो कहने की आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप काम को कितना करना जानते हैं, आप अपनी सैलरी को लाख से भी कहने इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बात की एडमिशन की, एडमिशन साल में दो मरतबा ओपन होते हैं हर यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस किया, आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, सैलरी पैकेज, फी स्ट्रक्चर, तमाम चीजें हमने डिस्कस की, आप अपने राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन, थैंक यू।